पहलवान सागर हत्याकांड के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता रेसलर पहलवान जो भी कह लीजिए सुशील कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं। हत्या में उनकी कथित संलिप्तता पर बड़े बड़े अखाड़ों और पहलवानों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। आम युवा पहलवानों पर इस हत्याकांड का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। कई पहलवानों ने कहा कि सुशील और उनके साथियों की सोच का फल उन्हें मिला है, हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। पहलवान हार जाते हैं लेकिन कुश्ती जीतती है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 150 साल पुराने गुरु चिरंजी अखाड़ा में जब आज तक की टीम पहुंची, जब अखाड़ों ने सागर धनखड़ हत्याकांड, सुशील कुमार के पतन, गैंगस्टर के साथ रिश्ते, बाउंसर जैसे सवालों पर कई सारे सवाल पूछे, तो वहाँ के पहलवान, जो नए पहलवान उभरते हुए पहलवान हैं, उन्होंने चुप्पी साधी रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहलवानों ने कुछ बातें जो बताई जो थोड़ी सी अटपटी लग रही हैं। सागर हत्याकांड और पहलवान सुशील के पतन का युवा पहलवानों की तपस्या, सोच, डर, करियर पर कैसा असर पड़ रहा है, इन सभी सवाल कि जो सबके जहन में उठ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, तलाशने के लिए जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनसे बातचीत लगातार की जा रही है, लेकिन वो सब खामोश हो जाते हैं कैमरे के सामने। अगर आप उनसे कैमरे के सामने बात करेंगे तो कुछ नहीं बात करेंगे, लेकिन ऐसे बात करेंगे, ऑफ कैमरा बात करेंगे तो खूब बातें करते हैं, लेकिन कैमरा ऑन करने से पहले हाथ जोड़कर सिर्फ यही कहते हैं कि हमें बख्श दीजिए, हमें कुछ नहीं बोलना है। सुशील कुमार का खौफ कितना है इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। इस खामोशी की वजह सुशील कुमार के ससुर महाबली सतपाल की धाक भी हो सकती है। इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए पहलवानों के चयन में अच्छा खासा दखल और जाट कार्ड भी है। यमुना किनारे करीब 150 साल पुराना गुरु चिरंजी अखाड़े में कुछ युवा पहलवान जो रजमाते हुए वहाँ पर मिले, उनके गुरु जो हैं विक्रम वशिष्ठ, उन्होंने पहले कहा कि पहलवान आसपास की घटनाओं से बेखबर होता है, ये तो सिर्फ अपना टारगेट देखता है, लक्ष्य देखता है, अपनी कसरत और दाव पेच, उनका इन सब घटनाओं से क्या लेना देना। युवा पहलवानों में से एक पहलवान वहाँ पर था जैसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है, उसने कहा कि एक ही गलती से सबका करियर और मेहनत थोड़े बेकार होती है। उसने अपना दम देखा, हम अपना दम देखेंगे, आखिर सबकी सोच एक समान नहीं होती। कुश्ती लड़ने वाले हर पहलवान का नज़रिया खेल और जीवन में अलग अलग होता है, जैसा कि आम इंसान का भी होता है। पढ़ाई, तैराकी और कुश्ती तीनों में मेहनत कर रहे युवा खिलाड़ी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने अलग अलग जवाब दिया। एक और पहलवान का कहना है कि मेडल लाना, तिरंगा ओढ़कर देश का नाम रोशन करना, ये सब तस्वीर जो आती है ना, ये ख्वाबों में, सपनों में, निगाहों में होती हैं, और यही टारगेट है जो हम रोज अखाड़े की मिट्टी को चूमने के लिए हमें खींच लाती है। एक 7 साल का पहलवान, उसने कहा कि पहलवानों को देख कर कुश्ती के गुर और वर्जिश के तौर तरीके सीख रहा है। पहलवानों की बात सच लगने लगी है। जुनून, संस्कार और सुडौल शरीर बनाने के हसीन ख्वाब सभी को अखाड़ों की ओर बरबस धकेलते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं जो उभरते हुए पहलवान हैं उनके आ रही, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। सागर हत्याकांड पर दिल्ली के बड़े अखाड़ों ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। बड़े पहलवान भी इस हत्याकांड पर बोलने से कतरा रहे हैं। इसके पीछे की वजह सुशील कुमार के ससुर महाबली सतपाल की धाक मानी जा रही है। महाबली सतपाल की धाक देश से लेकर विदेश तक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए पहलवानों के चयन में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बड़ी भूमिका होती है। सुशील कुमार पर अखाड़ों और पहलवानों की चुप्पी की वजह खाप, कुनबे, भाईबंदी और जाट कार्ड को कहा जा रहा है। यही फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों ने चुप्पी साधी है। अखाड़ों में जोर आजमाइश कर रहे पहलवानों का मिशन साफ है और उन्हें अपना दिमाग आपराधिक दाव पेच पर नहीं खर्च करना, वे अपना दिमाग कुश्ती में लगाना चाहते हैं और उसे बेहतर मानते हैं, वही होना भी चाहिए। एक पहलवान ने तो ये भी कहा, कसरत और मेहनत भी हसरत की तरह है, जितना करो उतना कम, अपनी मेहनत का फल मिलेगा। उनकी करनी उनके साथ, पहलवानों के साथ उस्तादों की भी यही सोच है। अखाड़ों में मौजूद सभी लोग यही कह रहे हैं कि ओलंपिक मेडल लाना, शरीर बनाने की हसरत लेकर यहाँ सभी पहलवान आते हैं, दिन रात अपना एक करते हैं। कुछ घटनाओं का कोई असर लंबे समय तक नहीं होता, उनके सपने उनको सब कुछ और सोचने की हिम्मत देते हैं, यानी मेहनत, तपस्या और जंग के अलग अलग रंग, अलग अलग सोच। अधिकतम पहलवानों को मीडिया में चल रहे फितूर और सुर्खियों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अपने अखाड़ों, जोर आजमाइश, खुराक, ताव पेच, मेडल और दुनिया भर में अपनी मेहनत की रोशनी बिखेरने की ललक देखने को मिल रही है। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली के अखाड़ों ने सुशील कुमार पहलवान पर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या इसके पीछे सुशील कुमार पहलवान के ससुर महाबली सतपाल का डर है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहलवानी में जाट कार्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और महाबली सतपाल का जो पहुंच है, जो उनकी कैपेसिटी है, वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, तो क्या नए पहलवान या फिर दिल्ली के कई सारे अखाड़े महाबली सतपाल से डर कर कुछ नहीं बोल रहे हैं?
आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है? आखिर सागर धनखड़ के लिए कोई इंसाफ की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और इन सवालों में कहीं ना कहीं महाबली सतपाल पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए वीडियो न्यूज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।